दोस्तों, पिछले बार में आपने देखा कि कैसे बच्चों ने ड्राकरा सिटी में अपने कमाल दिखाए हैं। अब देखिए कि क्या बच्चे ड्राकरा सिटी के लोगों से मिलकर उस सिटी के बारे में जानकारी हासिल करते हैं या नहीं। अरे, तुम सब कौन हो बच्चों? हम ऑल बैंड हैं। अच्छा, तुम यहाँ क्यों आए हो? हम यहाँ घूमने फिरने आए हैं। मैं इतनी आसानी से कैसे मान सकता हूँ? आप माने या ना माने, आप कौन हैं? तुम मुझे पूछ रहे हो? हम इस शहर में रहने वालों में से कुछ हैं। शहर? लेकिन ये कौन सी शहर है? ये तो शहर नहीं है। हाँ, ये शहर है। किसने नहीं कहा? ये एक बहुत बड़ी शहर है। किसने नहीं कहा तुम लोगों को ये बात? अरे, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ आप दोनों ही हैं। ये शहर नहीं है, ये शहर की एग्जिट यानी कि एंट्रेंस एरिया है। शहर और दूर है यहाँ से। तुम यहीं पे क्यों भटक रहे हो? शहर के अंदर क्यों नहीं आए? हमें क्या पता कि थोड़ा और आगे आने से शहर है, इसलिए हम यहीं रुक गए। अच्छा, अब इस यहाँ से लेफ्ट पे मुड़ोगे और वहाँ की फॉरेस्ट से सीधे अंदर जाओगे तो तुम्हें एक शहर दिखेगी। उसका नाम है ड्राकरा सिटी। तो तुम वही जाना चाहते हो शायद? नहीं, हम कोई शहर में जाने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ किडनैप हुए थे, इसलिए हम यहाँ गुम हो गए। ओ, तो ये बात है, तुम यहाँ किडनैप होकर आए। तुम्हारा मम्मी का नाम क्या है? सोरा, सेलेब्रा की पत्नी। हाँ। अच्छा, तो वो लोगों के बच्चे हो तुम। मैं उन्हें फोन करके पूछता हूँ आज शाम कि वो और उन्हें बताऊंगा कि वो ड्राकरा के बाहर घूम रहे हैं। तुम चाहते हो तो मेरे घर पे भी बैठ सकते हो। कोई जरूरत नहीं, हम यहीं पे रहेंगे। आप फोन करके उन्हें बता दीजिए। ठीक है, एक मिनट, हाँ, मैं जाके अभी फोन करके आता हूँ। तब तक तुम कहीं भी मत जाना, क्योंकि जब तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे तब ढूंढने में उन्हें परेशानी हो सकती है जब तुम यहाँ से चले जाओगे। ओके, अभी आता हूँ। ओके, फोन करके आता हूँ। अच्छा, तो आप बोलिए, क्या आप ही ड्राकरा सिटी से हैं? हाँ, मैं अभी ड्राकरा सिटी से ही हूँ। ड्राकरा सिटी में खास क्या है? सब इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं उस माउंटेन के पीछे कि ड्राकरा सिटी में आपका स्वागत है? वरना के बाय बाय कहें? जब विजिटर्स आते हैं तब ऐसा चिल्लाना पड़ेगा ना, उन्हें वेलकम करना तो पड़ेगा ना। हाँ, ये भी तो एक बात है, लेकिन ऐसे जोर से चिल्लाना जरूरी नहीं है ना। अरे छोड़ो, अभी सोरा का नंबर डायल करता हूँ। हाँ, रिंग हो रहा है। हेलो सोरा मैडम। हाँ, क्या है? मैं बोल रहा हूँ, स्क्वैश। ओ हाय स्क्वैश, कैसे हो? बात तो सब ठीक ही है सोरा मैडम, लेकिन मैंने आपको बच्चों को ढूंढा है। क्या, मेरे बच्चे मिल गए हैं? कहाँ है वो? आपके बच्चे एरिज़ोना के ड्राकरा के बाहर घूम रहे हैं मैडम। क्या ये सच है? तो क्या झूठ है? ठीक से बोलो ना। हाँ सच है। तुमने उन्हें कैसे ढूंढा? मैंने उन्हें नहीं ढूंढा, वो खुद मेरे पास आ गए थे। कहाँ से? उन्होंने कहा कि वो किडनैप हुए थे। वो बात तो मैं भी जानती हूँ। आप उन्हें आके मेरे घर से ले लीजिए। ठीक है। तो आपने बता दिया? हाँ, हमने बता दिया तुम्हारी मम्मी को कि तुम सब बच्चे यहीं पे हो। पता नहीं देते तो तुम घर कैसे जाते? हाँ, आपने बहुत अच्छा किया, आपने ठीक काम किया हमारे घर को बता के कि हम यहाँ ड्राकरा सिटी के बाहर हैं। अब वो आके हमें ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये आपने बहुत ही गलत किया, क्योंकि हम तो यहाँ टूरिंग के लिए आए हैं। अगर मम्मी पापा यहाँ आके हमें घर ले जाएंगे तो हम सिटी कभी नहीं जा पाएंगे। क्या, सिटी वहाँ पे क्यों? हम टीम वेनिस के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ पे एरिज़ोना में भटक रहे हैं, इसीलिए
हम भाभी के हाथों से भाग गए, वरना किडनैप होने के बाद हम उन्हीं के साथ रहते थे। ओ, तो तुम बहादुर बच्चे थी वेनिस के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ आए हो। मैं यह बात तुम्हारी मम्मी को बोल दूंगा तो तुम्हारी कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, इसीलिए तो आप ये बात किसी को भी मत बोलिए, क्योंकि हम जब जानकारी हासिल करने के लिए जाएंगे तब उन्हें बहुत डर लग सकता है। हाँ हाँ, बात तो तुमने ठीक ही कहा, लेकिन अगर तुझे पता था कि उन्हें डर लगेगा तो तुमने ऐसा क्यों किया? ये हमारी मर्जी है, आप हमें मत सिखाइए। अब हमें जाना है, जाने की देर हो रही है, इसलिए हमें बिना डिस्टर्ब करिए छोड़ दीजिए। ठीक है, छोड़ देता हूँ। अरे वो जब गया, मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। हाँ, शुक्र है कि ये मुसीबतें चले गए, वरना हम कभी भी टीम मैनेज के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए नहीं जा सकते थे। बात तो तुमने ठीक ही कहा जेम्स, लेकिन हम टीम मैनेज के बारे में जानकारी हासिल करके पाएंगे का? हम बहुत बड़ा नाम पाएंगे, उसके बाद लोग हमें PS2 देंगे जिसके साथ हम खेल सकते हैं। ये बात भी ठीक है, लेकिन मैं कभी भी किसी भी बात को समझ ही नहीं पाता हूँ। पागल, चलो यहाँ से निकल जाते हैं, हमें जल्दी जल्दी यहाँ से सी सिटी में जाना पड़ेगा ना। हाँ हाँ। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे बच्चों प्लान कर रहे हैं ड्राकरा से भाग के सी सिटी में जाने के लिए। हमें तो वैसे भी पहले से ही पता था कि बच्चे टीम वेनिस के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते थे, लेकिन वो जानकारी हासिल करके वो पाएंगे क्या, ये हमें पता नहीं है। अब देखिए कि कैसे सोरा रिएक्ट करती है ये जानने के बाद कि उसके बच्चे ड्राकरा सिटी में हैं। पापा, एक खुशखबरी है, हमारे बच्चों का पता चल गया है। क्या चल गया है? हाँ, पता चल गया है। अब मैं जेनेवा को बता दूंगी कि वो डिवोर्स छूटा था, वरना वो बुरा मान जाएगा। जब मैं सोच रही थी कि मैं एरिज़ोना में एडवेंचरल टूर पे जाऊं और बच्चों को ढूंढ के आऊं, लेकिन वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन सोरा, तुम्हें पता कैसे चला? मेरे पुराने क्लासमेट ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि उसने मेरे बच्चों को ड्राकरा सिटी में देखा है, इसलिए मैं वहाँ जा रही हूँ। वो ड्राकरा सिटी के बाहर हमारा इंतज़ार करते होंगे। लेकिन सोरा, असल बात तो ये है कि हमारे बच्चे कभी भी घर आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनका मकसद है टीम वेनिस। वो बार्बी के हाथों से निकल जाए तो ज़रूर टीम वेनिस के बारे में खोज करने के लिए निकले होंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम ड्राकरा सिटी में जाओ, एरिज़ोना के कैपिटल सीडीडी सिटी। वहाँ पे तुम बच्चों को ढूंढ सकती हो, लेकिन मुश्किल है क्योंकि वो सीडीडी सिटी नहीं जा सकते थे, क्योंकि टीम वेनिस का सोल ऑफिशियल कैपिटल सी सिटी है। वो वहाँ जाने की कोशिश में होंगे, इसीलिए पहले सीडीडी सिटी जाओ, क्योंकि सी सिटी जाने वाले हर ट्रेन सीडीडी सिटी पकड़ के ही जाती है। तुम वहाँ पे ट्रेन चढ़ जाओ और बच्चों को ढूंढो, हर कोई ट्रेन में बच्चों को ढूंढो, तब तुम्हें बच्चे ज़रूर मिलेंगे। हाँ पापा, लेकिन असल बात तो ये नहीं है ना। हाँ।